ठीक है, दर्ज होगा मंत्री जी के सामने आप शिकायत कर रही थी, मामला क्या है? जी सर, हम वहाँ से बनारस से लौट रहे थे अपने पति के साथ, और हम हमारे पति बनारस से लौट रहे थे तो गुसाईगंज का गाड़ी नहीं था, तो अकबरपुर ट्रेन से वहीं उतर गए। हम सोचे कि अकबरपुर उतर जाएंगे तो हमें गुसाईगंज में दिक्कत नहीं होगी घर जाने के लिए, तो हम अकबरपुर उतर गए, अपने भाई मायके से अपने भाई को बुलवाए, क्योंकि गुसाईगंज में हमारा ट्रेन तो गुसाईगंज उतरते हैं लेकिन ट्रेन वहाँ रुकती नहीं, इसी वजह से हम भाई को बुलवाए गुसाईगंज उतर गए। ये है कि अयोध्या रुकेगी तो अयोध्या से आने जाने में हमें दिक्कत होती, तो हम अपने मायक यहाँ से अकबरपुर से जा रहे थे तो रास्ते में हमारे घर को जा रहे थे तो रास्ते में गांव के लोग थे तो वहाँ कुत्ता था, कुत्ता भूखने लगा, हमारे हस्बैंड बोले कि चुप बे हम गांव के हैं बोले, उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो ये लोग पीछे से आवाज दिए, तो हम बोले कि कोई आवाज दे रहा है, तो हम लोग ये थोड़ो जाने कि हमारे घर के गांव के हैं तो ये लोग हमको मारने या पीटने लगेंगे, तो ये लोग हमको रास्ते में गाली देने लगे, तो हम बोले कि भैया गाली क्यों दे रहे हैं, हम क्या बेजा किए हैं, तो ये लोग बोले कि हमारे हम पहले हमारे ऊपर छीना झपटी की, उसके बाद हमारे पति के, जब हमारे पति गाड़ी पे थे हमारा सारा सामान गाड़ी पे था, तो हमारे पति ने बोले कि गाड़ी खड़ी कर दे, चाबी भी नहीं निकाले और बैग भी हुई थे हमारा छूट गया, मोबाइल भी उसमें हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, हम कहीं फोन लगा ले हमारे, उसके बाद हमारे पति के ऊपर ये लोग जुट गए, हम गुहार लगाने लगे, कोई व्यक्ति वहां दौड़ा नहीं छुड़ाने के लिए, आरे पड़ोस के गांव के थे लेकिन इनको देखे थे, बोले कि हम उस मामले में नहीं जाएंगे, वो लोग अगड़ है, अगड़ है क्या करें, गरीब लोग को मार डालेंगे सब, तो उसके बाद हम लोग वहां से जब आवाज दिया गुहार लगाए तो हमारे गांव के जो वही गवाही में है घनश्याम वर्मा माधव श्याम वर्मा, वो लोग कोई रास्ते से जा रहा था वही गया उनका पैर पकड़ के मारने, वो रोने लगा कि भैया जाइए वहाँ एक महिला एक जेंट्स है उनको मार के गिरा दिए हैं, हम छुड़ा रहे थे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने लगे तो हम भागे वहां से, भैया जाइए बचा लीजिए, तो बोला कि कहाँ पे हैं, बोले कि उनके यही सड़क पे जो टंकी लगी हुई टंकी पे हैं, वो घनश्याम वर्मा हमसे बताने लगी, तभी हम जाने नहीं हमें क्या पता होता कि हाँ कौन कैसे भेजा, वो हमारा भगवान बना, वो घनश्याम वर्मा आए उसके बाद हमसे हमारे इतने में गुहार की आवाज से हमारा बेटा भी आ गया, हमारे सास भी आ गए, जो हम लोग को झगड़ा करने की आवश्यकता होती तो हम लोग घर से थाने शिकायत किया आपने? जी थाने पे गए, थाने पे गए तो थाने वाले एप्लीकेशन लिए, उसके बाद कुछ कहे नहीं कहे, हम लोग को भेज दिए जाइए यहाँ आशोपुर अस्पताल में भेज दिए, तो आशोपुर अस्पताल से उसके बाद हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं जिला पे गए, जिला पे एडमिट करवा दिए, एडमिट करवाने बोले कि कल आइए, थाने वाले बोले कल आइए, तो हम कल फिर गए तो थाने से यहाँ बोले कि जाइए हम कैसे मान लें तुम्हारा पति चुटाया है, जाइए अपने पति को लेके आइए। क्या मुकदमा दर्ज हुआ आपका? सर अभी तो हमें ये नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे? मंत्री जी से, मंत्री जी से यही मांग के हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कैसा इंसाफ? इंसाफ यही हमारे पति का जो इतना चोट लगा, हमारे बेटा का हार्ट टूट गया, वही बच्चा है हमारे पैर में लग गया है, यहाँ इतना हम इलाज करें। घटना कब की है? 30 जुलाई की है जी। मुकदमे की कापी आपको मिली नहीं? मिली है नहीं, मुकदमे की कापी मिली है? जब हम यहाँ से थाने से हमें कुछ नहीं मिली है। किस थाने का मामला है? इब्राहिमपुर थाना। आपका क्या नाम है? मंजू वर्मा। कहाँ की गाँव? मोहारी खैरा। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? जो भी पक्षी हैं अभी नहीं गिरफ्तारी हुई उनको। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? मुख्यमंत्री से यही मांग किए हैं कि हमारे पति को इंसाफ मिले। दर्ज होगा।